ये प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि मुसलमानों के एक हाथ में वो कुरान देंगे और एक हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, मतलब मुसलमानों को शिक्षा देना चाहते हैं, सबका विकास, सबका साथ और सबका सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी के फंड के अंदर जो बजट रखे थे उन सबको तकरीबन इस सरकार ने खत्म कर दिया। ये क्या जुल्म है मैडम, कैसे ये अच्छा आगे पढ़े पढ़ेंगे? कल इनको आप अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, ये क्या होगा? यही बच्चे कल जो है चोर बनेंगे, कोई और कामों में लग जाएंगे। जंग के बादल हमारे ऊपर भी छाए हुए हैं, न जाने कब तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए और वही कंट्री सर्वाइव करेगा जिसके पास फॉरेन रिजर्व होगा। वो रिजर्व हमारे पास सिर्फ एक्सपोर्ट से आ सकता है, इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक्सपोर्टर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिए जाएं और उनको इंसेंटिव दिए जाएं। हमारा मुकाबला चाइना से होता है, आपको हैरत होगी, कंबोडिया जैसे कंट्री ने, नेपाल जैसे कंट्री ने हमसे ज्यादा फैसिलिटीज एक्सपोर्ट में दे रखी है। आजम जी, अजमल जी, मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस इम्पोर्टेंट बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैडम पूरे हिंदुस्तान की बातें सारे साथियों ने कर ली, अब हमारे आसाम, चूंकि मैं आसाम से आता हूँ, आसाम की तीन चार समस्याएं मैं बोलूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। एक नंबर फ्लड है आसाम में, एक देव बना हुआ है ब्रह्मपुत्र मैडम, और इसके लिए मैं तीन मर्तबा से MP हूँ, अभी चौथा इंशाल्लाह आएगा और फिर मैं आऊँगा आपके सामने जीत के। तो फ्लड और इरेशन का मसला जो है वो आज तक नहीं हल पाया वहाँ, और उसको पूरा जल्द से जल्द किया जाए। उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर कुछ पैसे ऐसे रखे कि कुछ तो इसके लिए करें। फ्लड इरिगेशन में लाखों लोगों का घर बह जाता है, ज़मीनें बह जाती है, ज़मीन बर्बाद हो जाते हैं, वो खेती के लायक नहीं रहते, लोग मर जाते हैं फ्लड में बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं। तो इसके लिए खास करके मेरे इलाके में मैडम धुबड़ी, साउथ सालमारा, मनकचर, ग्वालपाड़ा, बड़पेटा, करीमगंज और जलेश्वर, हर जगह में इरोशन ही इरोशन है और फ्लड ही फ्लड है। नंबर दो मैडम, सारे ही लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया था कि मुसलमानों के एक हाथ में वो कुरान देंगे और एक हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं, मतलब मुसलमानों को शिक्षा देना चाहते हैं, सबका विकास, सबका साथ और सबका सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले की गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी के फंड के अंदर जो बजट रखे थे उन सबको तकरीबन इस सरकार ने खत्म कर दिया। ये क्या जुल्म है मैडम, कैसे ये अच्छा आगे बढ़े पढ़ेंगे? कल इनको आप अगर बिल्कुल पढ़ाई नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो ये क्या होगा? यही बच्चे कल जो है चोर बनेंगे, कोई और कामों में लग जाएंगे, क्योंकि आपने उनको शिक्षा नहीं दी। इसलिए मेहरबानी करके इस माइनॉरिटी फंड के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का, जो आजाद साहब का सपना था नेशनल, उसको भी पूरा करे, उसको फिर से जारी किया जाए, ये मेरा डिमांड है। और स्कॉलरशिप जो बंद हो गया उसको इमीडिएटली चालू किया जाए, ताकि ये बच्चे भी मेन स्ट्रीम के अंदर आए और पढ़े, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाए और रिसर्च के अंदर आगे बढ़े। नंबर तीन मैडम, के हमारे आसाम में इस वक्त इस सर्दी में, यहाँ से बहुत ज्यादा सर्दी है मैडम, हर तरफ इवेक्शन चल रहा है, उच्छेद उठा देते हैं लोगों को, जो 50-50 साल से लोग बैठे हैं उनको रातों रात कोई बगैर नोटिस दिए, रात को लाके नोटिस समझाते हैं और सुबह बुलडोजर लगा देते हैं और लगा के उनकी पूरी आबादियों को खत्म कर देते हैं। कम से कम मैडम जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जरूर करें, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं, अगर इल्लीगल है उसको उठाएं, लेकिन इतना तो टाइम दें। इसकी वजह से खास करके मैं आपसे माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो है वो लोगों को टाइम दे और कम से कम इस सर्दी के मौसम में इस इवेक्शन को बंद किया जाए, उसके बाद आप कानूनी साथ, एक मिनट मैडम, उसके बाद हमारे आसाम में टी गार्डन आप जानते हैं, पूरी दुनिया आसाम की टी की चाय को पीती है, उसके लिए लेकिन उनके मजदूरों को जो बुरा हाल है मैडम, उसके तरफ प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को भी आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे टी गार्डन के लोगों को ख्याल किया जाए, उनको कोई फैसिलिटी मैडम नहीं है। उसके बाद एक और हमारे यहाँ आसाम पानी की जगह है, फिशरमैन हमारे यहाँ है जिनको हमारे यहाँ आसाम में माइमाल कहते हैं, उनकी भी हालत मैडम बहुत खराब है, उसके तरफ भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और उसके लिए कुछ फंड देने की जरूरत है। मैडम एक ही
श्री बी महताब जी। प्लीज मैडम बस एक 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 रह गया जी। उसके बाद आसाम में ये जो फ्लड और इरोशन के वजह से मैडम किसान बर्बाद हो रहे हैं। कुछ लोग फ्लड में खत्म हो जाते हैं, कुछ लोगों की जमीनें इरोशन में बह जाती है, और कुछ लोग उसके बाद जब गर्मी उसका बहुत शुरू हो जाता है तो उसके अंदर सूखे में मर जाते हैं। तो इसीलिए फिर जो है मैंने बीच पास कराया था मैडम। बोलने दीजिए इनको भाई, हो गया सारा पॉइंट आपका आ गया, सभी पॉइंट आ गया, बैठा जाए और जोर देंगे हम, जोर देंगे उसको। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैम मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट हमारी इकोनॉमी की बहुत एसेंशियल चीज है। हमने वो दौर भी देखा है कि जब हमने अपना सोना गिरवी रखा था और हमें तेल डीजल और पेट्रोल लेने के लिए लाइनें लगानी पड़ती थी क्योंकि हमारे पास रिजर्व मनी नहीं थी। आज एक्सपोर्ट के ऊपर इंसेंटिव बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक MEIS स्कीम थी जिसके तहत 7% इंसेंटिव दिया जाता था, उसकी जगह रोड टैप स्कीम लेके आए जिसके अंदर 1% से भी कम 0.6% इंसेंटिव दिया जा रहा है। मैडम आज के दौर में जंग के बादल हमारे ऊपर भी छाए हुए हैं, न जाने कब तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए और वही कंट्री सरवाइव करेगा जिसके पास फॉरेन रिजर्व होगा। वो रिजर्व हमारे पास सिर्फ एक्सपोर्ट से आ सकता है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक्सपोर्टर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिए जाएं और उनको इंसेंटिव दिए जाएं। हमारा मुकाबला चाइना से होता है, आपको हैरत होगी कंबोडिया जैसे कंट्री ने, नेपाल जैसे कंट्री ने हमसे ज्यादा फैसिलिटीज एक्सपोर्ट में दे रखी हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, दूसरा जो ICD जितने भी हमारे कंटेनर जाते हैं जो शहरों के अंदर हैं वहां पे 11 बजे के बाद नो एंट्री खुलती है और एक्सपोर्ट का माल ले जाने में परेशानी पड़ती है। शहर से बाहर ICD का कंटेनर डिपो होना चाहिए। मैडम माइनॉरिटीज इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, 20% लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी माइनॉरिटीज की है। मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को बंद कर दिया गया जिससे मुसलमान सिख जैन बौद्ध इन सब पे इफेक्ट हुआ है। क्या सरकार नहीं चाहती कि माइनॉरिटीज के लोग भी रिसर्च करें और PhD वगैरह अपनी पूरी कर सकें? मेरिट का मींस को बंद कर दिया गया है जो सिर्फ टारगेट है सिर्फ माइनॉरिटी के लिए, बाकी सारे काम हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इन स्कॉलरशिप को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैडम आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, बाजार के अंदर अगर दो सांड लड़ जाते हैं तो पूरा मार्केट बंद हो जाता है, और जब पूछा जाता है तुमने मार्केट क्यों बंद किया तो कहते हैं हमें लगा GST की टीम आ गई। GST के लोगों ने हमारे छोटे व्यापारियों को चोर बना रखा है, कहीं ना कहीं उनको परेशानी इतनी जबरदस्त हो रही है, हर जगह इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारी डिमांड है कि GST वालों के ऊपर लगाम लगाई जाए और हमारे छोटे व्यापारियों को तंग ना किया जाए। मैडम हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम फैसिलिटीज हैं। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छी योजना एम्स एस्टेब्लिश करने की है। मुरादाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश का सेंटर है, और मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मुरादाबाद के अंदर 42 साल पहले 800 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मेरी डिमांड है कि उस जमीन के ऊपर एक एम्स बना दिया जाए ताकि लोगों को दिल्ली ना आना पड़े और दिल्ली में तारीख पे तारीख उनको ना मिले। एक मिनट मैम, मैं बहुत बार कह चुका हूँ मुरादाबाद से बॉम्बे की ट्रेन चलाने के लिए, लेकिन मुख्तलिफ बहाने अधिकारी लोग लेते हैं। मेरे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ये ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है जब से मुरादाबाद की ये डिमांड है। आपके माध्यम से अगर सरकार इस पे संज्ञान ले तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया मैम। आजम जी, अजमल जी, मैडम आपका बहुत बहुत